देखिए, सबसे पहली बात कि ये लिमिटेड कंपनी है और लिमिटेड कंपनी में 10th पास कैंडिडेट का, 10वीं पास कैंडिडेट का 25,000 रुपीज सैलरी मिलने वाला है। मींस बोलूँ तो ये हमारे प्रोजेक्ट का सबसे बेहतरीन जॉब्स होने वाला है। और हमारे प्रोजेक्ट का सबसे बेहतरीन जॉब्स कैसे होगा, कैसे आपको 25,000 रुपीज तक सैलरी मिलेगी एक 10th पास कैंडिडेट का, वो भी हम इस वीडियो में पूरा प्रक्रिया बताने वाले हैं। देन देखिए, बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल पर वीडियो देख देख के लोग गुमराह हो जाते हैं, लोगों का माइंड काम नहीं करता, सेटअप्स नहीं हो पाता माइंड की, हाँ कहाँ पे जेन्युइन वीडियो मिलेगा कि हम जाके जॉब्स को कर पाएंगे, कहाँ पे जेन्युइन जॉब्स मिलेगा कि हम लोग जाके कर पाएंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे फाइनेंशियली डील करता है, सपोज मानिए कि वो आउट ऑफ स्टेट है, वो कई कंसल्टेंसी नहीं चलाता, फिर भी वो जॉब के लिए पैसों की नीड करता है, मांगता है, तो वो समझिए सीधा फ्रॉड है। वो फ्रॉड ही है कि आपसे पैसों के बारे में डिस्कशन करते होता है। लेकिन आज जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जॉब्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, वो कहीं महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग अच्छे से समझेंगे तो आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पे देखिए, 10th पास का हायरिंग है और 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशंस, ITI कोई भी कर सकता है। और यहाँ पे सैलरी बहुत बेहतरीन है, 133 रुपये प्रति घंटा ओवर टाइम है। और 133 रुपये प्रति घंटा जब ओवर टाइम है, तो ओवर टाइम भी इसमें डिक्लेरेशन किया गया है कि कंटिन्यूसली आपको ओवर टाइम मिलने वाला है। बेसिकली यहाँ पे पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके साथ में देने वाला हूँ। हो सकता है वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाए, बट आप वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं देखेंगे वेल, आपको प्रॉब्लम्स होगा। मार्केट में बहुत ऐसे जगह पे फ्रॉड हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं, लोग गुमराह हो जा रहे हैं, लोग एक अच्छे यूट्यूब चैनल पे विजिट नहीं कर पा रहे अभी के टाइम में। लोगों को खुद समझ में नहीं आता कि हम कौन से चैनल पे विजिट करें जिस पे हमें रियल इन्फॉर्मेशन मिले, रियल जॉब्स के इन्फॉर्मेशन मिले। ये सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं हो रही अभी। और हाँ, मार्केट में जो दूसरे लोग स्कैम करते हैं, वो मतलब उसी को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो उसे भी स्कैम साबित दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोग हमारे ऑफिस में आना चाहते हो, ऑफिस भी आ सकते हो, लेकिन ऑफिस मुजफ्फरपुर बिहार में है, मुजफ्फरपुर बिहार में आप लोग आ सकते हो, नो प्रॉब्लम्स। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो मुजफ्फरपुर बिहार ऑफिस में आ सकते हो। लेकिन देखो, सब कुछ का एक प्रोसीजर है, इस जॉब का भी प्रोसीजर है, वो भी बताएंगे। प्रक्रियाएं हैं कुछ, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट सारी प्रोसेस होगी, वो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। सो कंपनी, ये देखिए, ये जो कंपनी है, कंपनी जो है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है। कंपनी का नाम जो होने वाला है, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है। और देखिए, ये कंपनी का पिछला बार जब हम आपके साथ में जॉब्स का अपडेट शेयर किए थे, उस समय हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं था, क्योंकि प्रॉपर JD में OT के बारे में डिक्लेरेशन करके नहीं भेजा गया था। लेकिन अभी OT के बारे में पूरा डिक्लेरेशन किया गया है और OT डबल मिलेगा। यानी कि मान लिया सैलरी के हिसाब से, अगर मान लिया आपका 500 रुपये प्रति दिन सैलरी है 8 घंटे ड्यूटी के, तो उस समय उसको कैलकुलेट करो कि 8×48=65 रुपये बनता है। एक तरह से मानू, एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, 65 रुपये बनता है। तो 65 दूना गुना कर दो, आप कैलकुलेट कर दो, 7×2=120, 5×2=10, तो 133 रुपये प्रति घंटा इसमें OT चलता है। मतलब बेसिक सैलरी जितना होगा उसका डबल OT का कैलकुलेशन होकर के आएगा। मेक श्योर इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसमें एज भी चलेगा, 37-38 साल तक के कैंडिडेट चल जाएंगे। मतलब कि जो लोग अभी तक बैठे हुए हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं ना, वो 37-38 साल तक के हो गए हैं, वो भी इसमें ज्वाइन कर सकता है। सारी प्रोसेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ऐसा जॉब कोई प्लेसमेंट एजेंसीज देता है ना आपको, कम से कम वो चार्ज करेगी, बहुत ज़्यादा चार्ज करेगी, बिकॉज कि आपको वो सारी चीज़ यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। सो देखिए, साइड में हम JD आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, आपको देखिएगा यहाँ पे साइड में JD हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। सो यहाँ पे देखिए, कंपनी नेम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है, साइड में दिख रहा है। कंपनी लोकेशन है E5 मिड के नियर सुभियाना मोटर्स, मिड के अहमदनगर महाराष्ट्र। अहमदनगर है जो
पुणे के नजदीक में ही है। कोई भी व्यक्ति अगर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से आना चाहता है, वो सबसे पहले टिकट्स करेगा तो वो पुणे महाराष्ट्र का ही टिकट करेगा, तो पुणे का टिकट उनको निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 30 मेल कैंडिडेट्स की हायरिंग है, यानी कि 30 लड़कों की हायरिंग है। जो भी लोग करना चाहते हैं 30 मेल कैंडिडेट की यहाँ पे हायरिंग होने वाली है। डिपार्टमेंट की बारे में बात करूँ तो प्रोडक्शन और क्वालिटी मशीन शॉप में ये रिक्वायरमेंट होने वाला है। तो देखो ये डिपार्टमेंट है, सॉरी फॉर डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के अंदर आपको काम करने हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी आपको काम करने हैं, क्वालिटी डिपार्टमेंट में भी काम करने हैं, मशीन शॉप में भी आपको काम करने हैं। सो क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो इसमें 10th है, 12th है, ITI पास आउट सब कैंडिडेट चलेंगे, यानी कि कोई 10वीं पास है वो भी कर सकता है, 12वीं पास है वो भी कर सकता है, और ITI पास आउट कैंडिडेट है वो भी कर सकता है। सो यहाँ पे जॉब रोल जो रहेगा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब्स रहेगा। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये निगेटिविटीज थॉट अभी भरे हुए हैं कि सर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस मतलब क्या है, कि हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा या मुझे पेमेंट टाइमली नहीं दिया जाएगा। देखो वो ठेकेदार अलग है जो तुम्हें लेबर मिस्त्री के लिए लिए जाते हैं और पेमेंट क्लियर नहीं करते, लेकिन कंपनी का ठेकेदार अलग है, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अलग है। बड़ी बड़ी कंपनी अभी डील जो करती है कॉन्ट्रैक्ट के साथ में ही करती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उसका सारा जिम्मेवारी होता है। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कंपनी का प्रोडक्शन भी अच्छा निकलता है और कंपनी का कोई एज ए ऑन रोल जो वर्कर्स होते हैं उसका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर में जो काम करने वाले लोग होते हैं, कामगार लोग, वो अच्छा खासा काम करके देते हैं। तो ये जो है डिपेंडेंट ये नहीं कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब से, यहाँ पे पेमेंट का कोई इश्यूज नहीं है। हर महीने के 7 तारीख को आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर मान लिया 7 तारीख को संडे है तो आपको जो है सो 8 तारीख को आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो देखिए ये जो एज है, एज 18 से 37 साल के बीच में है, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 37 ईयर है। 18 से 37 साल तो इसमें लिखा गया, लेकिन 38 साल तक का भी कैंडिडेट, 39 साल का भी कैंडिडेट चलेगा, इसमें कोई दिक्कतों का बात नहीं है। सो देखिए ये जो सैलरी है CTC सैलरी है 14,999 रुपये सैलरी है पर मंथ। तो यहाँ पे CTC अमाउंट जो है 14,999 रुपये पर मंथ बनेगा, 26 दिन काम के बनेगा, प्लस 40 रुपये पर डे बोनस मिलेगा। कितना? 40 रुपीज पर डे आपको बोनस मिलेगा, ये एक्सटर्नली बोनस है। तो अगर ये 14,999 रुपये 8 घंटे के, ये बात सोचिएगा 12 घंटे का नहीं है, और ये 40 रुपये पर डे बोनस बनेगा, यानी कि 1200 रुपये ये एक्सटर्नली बोनस बनेंगे। और इसमें कैलकुलेशन करो ना 1200, तो ये 15,000 तो ये है ही, साथ में 1200 यानी कि 16,200 रुपये ये जो होगा टोटल एस्टिमेटेड सैलरीज वगैरह होंगे 8 घंटे के। टोटल डिडक्शन 1949 रुपये होगा जो PF, ESIC, PT का होगा। ओवर टाइम 133 रुपये प्रति घंटा ओवर टाइम मिलेगा, रेगुलर 8 घंटे का ओवर टाइम इसमें अवेलेबल है, रेगुलर 8 घंटे का ओवर टाइम देखने को मिल जाएगा इसमें। सो 133 रुपये प्रति घंटा आपको OT देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे देखिए OT अवेलेबल है और रेगुलर 8 घंटे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे 2 घंटे का ओवर टाइम दीजिए, मुझे 4 घंटे का ओवर टाइम दीजिए, मुझे 5 घंटे का ओवर टाइम दीजिए, तो ये सिस्टम इस कंपनी में उपलब्ध नहीं है। आप चाहे महीने में 5 दिन ही OT लगाओ, लेकिन 8 घंटे रेगुलर आपको OT लगाने होंगे। अगर आप 8 घंटे सक्षम नहीं हो तो आपको OT नहीं करना होगा, अगर सक्षम हो तो आप महीने के 30 दिन तक 8 घंटे OT लगा सकते हो, लेकिन अगर आप अक्षम हो आप नहीं कर सकते, तो बेसिकली आप लोग OT के बारे में ज़्यादा मत सोचना। अगर जो मेहनती होगा ना वो इस कंपनी में महीने के 25,000 रुपये आराम से कमाएगा, और जो मेहनती होगा उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, वो आलतू फालतू मैं नहीं बोलता, जो मेहनती होगा वो इस कंपनी में 25,000 रुपये आँख बंद करके कमा सकता है, इसमें कोई कहने की कोई बात नहीं है। सो यहाँ पे देखिए ये मैं बता दूँ आपको, इसमें ओवर टाइम मैंने बता दिया 133 रुपये प्रति घंटा है, एंड वेल यहाँ पे ड्यूटी जो है 8 घंटे की शिफ्टिंग है, 8 घंटे का ड्यूटी होने वाला है, रोटेशनल शिफ्टिंग रहेगी।
तो ये 8 घंटे की ड्यूटी है प्लस 8 घंटे का एक्सटर्नली जो है ओटी मिलता है। तो ये बहुत बेहतरीन आपके लिए एक मौका है कि आप लोग ओटी भी कर सकते हो। कंपनी फैसिलिटी में है, यहाँ पे 1200 से 2000 रुपए में रूम की फैसिलिटी मिलती है। देखो ये रूम जो है कंपनी एडजस्टमेंट करा सकती है, बिकॉज रूम का जो है आपको जो अमाउंट होता है वो लोग लेके जाना पड़ेगा। देखो हम लोग जॉब का कोई भी चार्ज नहीं करते, हम लोगों का जॉब का कोई भी फीस नहीं होता। सेम जॉब के लिए किसी दूसरे कंपनी में या फिर किसी दूसरे प्लेसमेंट सर्विसेज के माध्यम से आप जॉब्स लोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस चुकाने पड़ जाएंगे, बट यहाँ पे ये सारी प्रोसेस, ये सारी प्रक्रियाएं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग करके देते होते हैं। सो यहाँ पे देखिएगा, ये जो है बस की फैसिलिटीज नहीं है इसमें, तो नहीं लिखा गया है। रूम जो है 1200 से 2000 रुपए पर मंथ रूम का रेंटल अमाउंट लगता है, जो कि आपके पॉकेट में खुद से लेके जाना पड़ता है। कम से कम 3000 रुपए तो लेके जाना ही पड़ेगा आपको एक टाइम खाना के लिए भी। 450 रुपए पर मंथ में ब्रेकफास्ट, टी एंड लंच मिलता है। ब्रेकफास्ट में नॉर्मल सा जो ब्रेकफास्ट होता है वो रहता है, चाय तो मिलेगा ही मिलेगा, और लंच एक टाइम मिलेगा 450 रुपए प्रति माह में। एक टाइम का खाना खुद से आपको मैनेजमेंट करने होंगे। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए हैं। आप देखिए ये चीजों को समझना आपके लिए जरूरी है, अति आवश्यक है। देखो पहले इसका मीटिंग होगा, मीटिंग कब होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहना, क्योंकि देखो ये लास्ट मीटिंग होगा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी एक्साइट कंपनी का मीटिंग हो चुका है और उसमें से तकरीबन 35 कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हुआ है, उसे कन्फर्मेशन लेटर भी मिल चुका है। अब बात रही टोटल जो कैंडिडेट हमें चाहिए, वो चाहिए सिर्फ और सिर्फ 17 कैंडिडेट और चाहिए। तो 17 कैंडिडेट के लिए हम दूसरा वीडियोस मेक कर रहे हैं। मेक श्योर अगर कोई आपके घर वाले या फिर आपके कोई गांव वाले या फिर अगर आपके कोई रिलेशनशिप वाले अगर वो बेरोजगार है तो उसे भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक्साइट कंपनी का पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा, उसमें सारे लोग एक्टिव हो जाए, सारे लोग जाके ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद में उसमें गूगल मीटिंग का लिंक भी शेयर किया जाएगा, आपको अपडेट किया जाएगा और ये सारी प्रक्रिया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। जॉब के लिए किसी भी व्यक्ति से डील नहीं करना, किसी को रजिस्ट्रेशन फीस नहीं चुकाने, इसके लिए बेझिझक रहे, क्योंकि हम वैसे जॉब्स को रिकमेंडेशन नहीं करते जो कि पेड होता है। हम जितने भी अपडेट आपके साथ में शेयर करते होते हैं वो सारी प्रोसेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और उसका किसी भी प्रकार का हिडन चार्जेस नहीं होता और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होता। सो आई थिंक मिलते हैं कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय।